हाय एवरीवन वेलकम टू लॉ फोरम मैं हूं शबाना नसीम और अब से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है इस वीडियो सीरीज में हम एडीजे और एएसजे के सिलेबस में शामिल सब बर्टन ट्रस्टल के फिलोसॉफिकल वर्क द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस को उर्दू लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे देखिये ये एक छोटी सी बुक है जो मेनली टू पार्ट में डिवाइडेड है खैर अब इसके कॉन्टेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं जहाँ इसके फर्स्ट पार्ट का टाइटल है कॉजेज ऑफ अनहैपीनेस और सेकेंड पार्ट का टाइटल है कॉजेज ऑफ हैपीनेस जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में नाइन जबकि सेकेंड पार्ट में टोटल एट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बुक के बारे में जान लेते हैं देखिये ये किताब सबसे पहले जो थी वो 1930 में पब्लिश हुई थी जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे सर रसल इस किताब में बड़ी हद तक इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या मॉडर्न वर्ल्ड में खुश रहना मुमकिन हो सकता है दरअसल वो इस किताब में उन्हीं रीजन को एग्जामिन कर रहे हैं कि सेंचुरी के जो लोग थे मतलब उस दौर के लोग जब उन्होंने ये किताब लिखी थी वो इतने क्यों बेचैन परेशान और अफसरदा रहते थे अब थोड़ी सी बात सर बर्टन रसल के बारे में कर लेते हैं और फिर हम अपने मेन टॉपिक पर वापस जंप करेंगे देखिए सर बर्टन रसल जो थे वो में में 1872 को वेल्स इंग्लैंड पैदा हुए आप इंग्लैंड के नामवर फिलोसोफर लॉजिशियन और सोशल रिफॉर्मर थे आपने अर्ली एजुकेशन जो थी वो अपने घर में ही डिफरेंट टीचर्स से ली लेकिन मैथमेटिक्स जो था वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था रसल बेसिकली एक लाइफ लविंग पर्सन थे पर इसीलिए आप दुनिया में अमन चाहते थे और जिंदगी भर उसी के लिए काम करते रहे आपको 1950 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से भी नवाजा गया आपका शुमार 20th सेंचुरी के फेमस फिलॉसफर्स में होता है रसेल की जिंदगी में उनकी 70 बुक्स और 2000 आर्टिकल्स छाया हुए उनकी एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने नजरियात में बिल्कुल क्लियर रहे और बिलआखर 2 फरवरी 1970 को आपका इंतकाल हो गया वेल well, अब बुक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बुक के प्रीफ़ेस पर एक नजर डाल लेते हैं

सो so, अब वो बच्चे तो सबसे पहले रिलैक्स फील करें जिन्हें फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आमतौर तो पर फिलोसॉफिकल वर्क्स के बारे में ये, है कि ये कोई बड़ी ही बोरिंग स्टडी है पर इस किताब के बारे में रसल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये आम आवाम के लिए है यानी बड़ा ही अवामी किस्म का कॉन्सेप्ट है इसमें सो डोंट वरी एनी अब वक्त जया ना करते हुए हम पहले चैप्टर पर जम्प करते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी यानी क्या चीज लोगों को ना खुश करती है अच्छा जी यहां यह बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में जरा तफसील से बयान करूंगी और ऐसा करने की वजह आपको इस पैराग्राफ के एंड पर बताऊंगी खैर अब होते हैं जी किताब का बाकायदा आगाज जिसकी शुरू की लाइन में रस्सा लिखते हैं कि जानवर उस वक्त तक आराम से खुश रह सकते हैं जब तक उनकी हेल्थ अच्छी होती है और उनके पास खाने पीने के लिए जो है वो ठीक ठाक खुराक मौजूद रहती है यानी कोई हरी भरी खास वास आगे लिखते हैं कि इंसान भी जानवरों जैसे दो हालात मतलब अच्छी सेहत और ढेर सारे खाने के साथ खुश रह सकते होते थे लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में ये मुमकिन नहीं है रसल के मुताबिक ये हेल्थ के प्रॉपर होने और ख़ुराक की वाफिर मकदार के, के मौजूद होने पर खुश होना दरअसल इंसान और जानवरों में पाया जाने वाला एक कॉमन फीचर है लेकिन जानवरों में इंसानों की तरह फोरसाइट और इमेजिनेशन नहीं होते इसलिए जब जानवर कुछ खा रहे होते हैं तो उससे खुशी महसूस करते हैं लेकिन इंसान जो है वो जानवर से मुख्तलिफ महसूस करता है उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि इंसान की सोच सिर्फ प्रेजेंट तक ही महदूद नहीं रहती कि खाया पिया हजम किया कल की कल देखेंगे भई बल्कि वो फ्यूचर के बारे में भी सोचता रहता है आगे कहते हैं अगर कभी आप बड़े अनहैप्पी हों तो आपको यकीनी तौर पर यह एडमिट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपका केस को एक्सेप्शनल नहीं है और भी बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं इसलिए बच्चों अगर कभी आप सैड फील करें तो रसल के इस पॉइंट पर जरूर गौर करिएगा और सोचिएगा भी कि भैया मैं ऐसे ही मरा जा रहा हूं या मरी जा रही हूं दुनिया में तो और भी बड़े सारे लोग दुखी हैं तो उम्मीद है इस सैड फीलिंग से निकलने में आपको इस जुमले से काफी अफाक का होगा आगे लिखते हैं कि अगर आप खुश हैं खुशकिस्मती से तो अपने आप से पूछें कि आपके और कितने दोस्त खुश हैं देखें जी जब आप अपने फ्रेंड्स को रिव्यू कर चुके हैं तो अपने आप को उनके चेहरे पढ़ने का फ़न सिखा लें और ऑर्डिनरी डेज में उनके मूड्स को देखकर समझना शुरू कर दें देखिए यहाँ तक बड़ी तफसील से बताने की वजह ये थी जिसके बारे में मैंने ये पैराग्राफ शुरू करते हुए कहा था कि मैं इसकी वजह एंड में बताऊंगी तो वो ये है कि आपको पहले पार्ट का मकसद समझ में आ जाए कि उसमें आगे, आगे आपका वास्ता किस किस्म की सिचुएशन से पढ़ने वाला है यहाँ तक सिखाने के बाद इस चैप्टर का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है और रसल कुछ बेचैन या ना खुश रहने वाले अफराद पर गौर करने के हवाले से मजीद कुछ सिखाते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके और हम भी राह चलते लोगों को देख कर थोड़ा गौर करने की कोशिश कर लिया करें इसके लिए वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आप न्यूयॉर्क सिटी की किसी सड़क पर खड़े हैं और ख़्विनों हजरात को उनको वर्किंग आर्ट्स में काम करते हुए देख रहे हैं तो आपको जल्द ही एहसास होगा कि वो अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं वर्किंग आर्ट्स में आप उन्हें परेशान और बेचैन ही पाएंगे उन्हें इस बात की भी कोई होश नहीं होगी कि उनके आस कौन चल फिर रहा है या वहाँ क्या सीन चल रहा है लेकिन इसके लिए आपको न्यूयॉर्क जाने की इतनी भी कोई जरूरत नहीं है आप ये सीन लाहौर में रहकर भी इंजॉय कर सकते हैं वेल well, फिलहाल हमें सिर्फ बुक पर कंसेंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है सो गेट बैक टू द पॉइंट आगे वो लिखते हैं कि इसी तरह ये इंतहाई जो मसरूफ के लोग हैं ये वीकेंड्स पर भी खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें छुट्टी करके इंजॉय करने की जल्दी होती है जिसके लिए वो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिशों में लगे होते हैं आपने अक्सर रोड्स पर ट्रैवल करते हुए सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि जल्दी कर लो आगे निकल लो पर ड्राइविंग करने की वजह से सुकून यहाँ भी नसीब में नहीं होता क्योंकि जरा सी लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है और जो लोग खुद ड्राइविंग नहीं कर रहे होते वो पीछे बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं बस खुश नहीं रह पाते आगे रसल कहते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी ब्यूटीफुल इवनिंग में कुछ ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ा हो जो उस शाम किसी को तंग ना करने और खुश रहने का इरादा रखते हो लेकिन उन्हें यह लग जाए कि भैया ड्रिंक और पैटिंग आर द गेट वेज टू जॉय तो वो लोग ये सोचे समझे बग़ैर कि उनके साथ जो और लोग हैं उन्हें उनकी ये हरकत कितनी बुरी लग रही है वो फौरी तौर पर ड्रिंक करने लगेंगे रसल कहते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी मकदार में ड्रिंक करने के बाद रोना शुरू कर देते हैं और इस बात पर अफसरदा हो जाते हैं कि वो मॉरली कितने अनवर्ड हैं यहाँ रसल उन मॉरल्स की बात कर रहे हैं जो ऐसे लोगों की मदर्स ने बचपन में उन्हें सिखाए पढ़ाए होते हैं इसी पैराग्राफ से एक फेमस कोटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि ऑल दैट एल्कोहल डाज फॉर दैम इज टू लिबरेट देंस ऑफ सिन विच रीजन प्रेस इन सीनर मोमेंट्स देखें जी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम वहां तक आ चुके हुए जहां पर रसल जो है वो अनहेपीनेस की दो कॉजे बताते हैं जो पार्टली अपना अपना किरदार जो है वो अदा करती हैं इन दोनों में से एक है सोशल सिस्टम्स और दूसरी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी आगे वो इन दोनों काजेज की डिफरेंट काइंड भी बताते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे

का दिया जाना शामिल है सबसे पहले बहुत के 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 जरूरी है लेकिन उनके मुताबिक ऐसे हालात मेंस्टम के बनने का कोई चांस ही नहीं रहता जहाँ इंसान खुद ही पड़े नाखुश हो और उन्हें दिन के उजाले में बर्दाश्त का मुजाह करने से म्यूचुअल एक्सक्रमेन जैसा अमल कम खौफनाक लगता हो इसके बाद वो नेक्स्ट इशू पर जंप करते हैं और लिखते हैं कि गुर्बत को बढ़ने से रोकना जरूरी है लेकिन साथ ही कहते हैं कि सोचो अगर मशीन प्रोडक्शन के बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को पहुंचा भी दिए जाएं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या होगा यहाँ वो सवालिया अंदाज में कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अमीर लोग ही दुखी हों तो हर किसी को अमीर बनाने का क्या फायदा हो जाना है इसके बाद वो अगले इशू पर आते हैं और कहते हैं कि बेशक जुल्म और खौफ में दी जाने वाली तालीम बुरी चीज़ है लेकिन जब तालीम पाने वाले ख़ुद ही ऐसे पैशन्स के गुलाम हों तो उन्हें किसी और तरीक़ाकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चले जी यहाँ तक अनहैप्पीनेस की फर्स्ट कॉज तो खत्म हुई अब हम चलते हैं सेकंड कॉज यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की तरफ यहाँ रसल कहते हैं कि सोशल सिस्टम के इश्यूज पर गौर और फिक्र ही हमें इंडिविजुअल यानी फर्द के मसाइल की तरफ लेकर जाती है यहाँ वो ये सवाल भी उठाते हैं कि एक ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच जहाँ माजी की हसीन यादों के सहारे रहा जाता हो वहाँ की आवाम यानी खातिन हजरात खुशी पाने के लिए क्या कर सकते हैं आगे वो कहते हैं कि भैया मैं यहाँ बस उन्हीं लोगों की बात करूंगा जो बहुत ही किसी एक्सट्रीम लेवल के दुख का शिकार नहीं है यानी वो लोग जिनके पास मुनासिब पैसा है घर बार अच्छी सेहत है लेकिन वो इस सब के बावजूद बोरियत और अनहैपीनेस फील करते हैं बेसिकली इस किताब में उनका मकसद सिविलाइज कंट्रीज में रहने वाले अफराद को रोज़मर्रा जिंदगी में अनहैपीनेस से बचने के तरीके बताना है क्योंकि उनका मानना है कि इंसानी ज़िंदगी में अनहैपीनेस की बड़ी वजह जिंदगी में गलत आदात का अपनाया जाना है जिसकी वजह से इंसान के मुख्त जो के लिए मौजूद नेचुरल ज़ेस्ट तबाह हो जाती है क्योंकि इंसानी खुशी इसी पर डिपेंडेंट होती है अच्छा यहाँ ये बता दूँ कि ये नेचुरल ज़ेस्ट क्या चीज़ है नेचुरल ज़ेस्ट का मतलब होता है जी एंथूसियाज्म या यू कैन से के बड़ी ही इंटेंस किस्म की ईगरनेस ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं आगे ऑथर जो हैं वो हमें अपनी फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देते हैं जिससे वो हमारे लिए मतलब रीडर के लिए प्रैक्टिकली रेकमेंड करने का इरादा रखते हैं रसल कहते हैं कि मैं खुद भी कोई बड़ा खुशबाश इंसान पैदा नहीं हुआ था नौजवानी के दौर में मैं भी खासा अफसरदा रहता था और इतना अफसरदा रहता था कि ख़ुदकुशी तक के बारे में सोचता था लेकिन मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझने की ख्वाहिश ने मुझे ख़ुदकुशी से रोके रखा इसके बाद वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का फार्मूला शेयर करते हुए लिखते हैं कि अब मैं अपनी पास्ट लाइफ के मुकाबले में अपनी प्रेजेंट लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की शदीद ख्वाहिश की उनको मैंने अचीव कर लिया लेकिन जिनको शदीद ख्वाहिश के बावजूद हासिल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उनके बारे में मैंने समझ लिया कि भैया वो मुझे मिल तो नहीं सकती तो उनके पीछे ज़्यादा जान खपाने की ज़रूरत भी क्या है फिर वो उन लोगों का हवाला देते हुए लिखते हैं जिन्होंने प्यूरिटन एजुकेशन ली होती है प्यूरिटन मतलब बड़ी मजहबी किस्म के लोग रसल कहते हैं कि एक वक्त वो था जब मुझे उन प्यूरिटन्स की तरह हर वक्त अपने गुनाहों बेवकूफियों और शॉर्ट कमिंग्स पर सर खपाने की आदत थी जिसकी वजह से मैं बगैर किसी वजह के दुखी आत्मा बना रहता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ऐसी हरकत पर काबू पा लिया और अपनी तवज्जो जो थी वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ कर ली जैसे कि दुनिया के हालात वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और वो लोग जिनसे मुझे मोहब्बत थी इससे हुआ ये कि मुझ पर इल्म के नए नए दरवाजे खुलने लगे लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भैया यहाँ भी संभल कर क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी पेनफुल हो सकते हैं इसके बाद वो ये बताते हैं कि वो कैसे पेनफुल हो सकते हैं वो ऐसे पेनफुल हो सकते हैं कि हो सकता है दुनिया में जंग छिड़ जाए कुछ किस्म का इल्म हासिल करना मुश्किल हो जाए हो सकता है जिनसे प्यार हो वो दोस्त मरमर आ जाए लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये भी कोई इतनी पेनफुल चीज़ें नहीं है कि इससे जिंदगी की जो इसेंशियल क्वालिटी है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए इसके बाद लिखते हैं कि हर एक्सटर्नल इंटरेस्ट किसी ना किसी एक्टिविटी को करने की तरगीब देता है सो जितनी देर तक वो इंटरेस्ट अलाइव रहता है इंसान तब तक मुकम्मल तौर पर बोरियत से बचा रहता है आगे वो बड़ी मज़ेदार बात करते हैं और कहते हैं कि जो बात मैं अभी कर चुका हूँ उसके परक्स अगर कोई बंदा जो है वो अपनी ज़ात में मगन रहने लगता है तो वो तो गया काम से क्योंकि वो अब किसी किस्म की प्रोग्रेसिव एक्टिविटी की तरफ जाने से तो रहा रसल यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आगे बढ़कर कुछ नया नहीं सीखना चाहते बल्कि रिवर्स गियर में चलते रहते हैं रसल के मुताबिक ऐसे लोग या डायरियाँ लिखना शुरू कर देते हैं या मॉन्क्स वगैरह बन जाते हैं मॉन्क्स का तो आपको पता ही होगा कि वो कौन लोग होते हैं लेकिन फिर रसल कहते हैं कि मोंग भी उस वक्त तक खुश नहीं हो सकता

देखिए सेल्फ एब्जॉर्बशन का मतलब होता है प्री ऑक्यूपेशन विद वंस ओन फीलिंग्स इंटरेस्ट और सिचुएशन सादे लफ्जों में अपने आप में ही रहना खैर अब जरा सेल्फ एब्जॉर्बशन की उन तीन काइंड्स को देख लेते हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है तो जनाब इनमें पहले नंबर पर है द सिनर दूसरे नंबर पर है द नार्सिस्ट और तीसरे नंबर पर है द मैग्लोमैनिएक अब वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले है जी द सिनर जिसे सुनकर किसी बड़े गुनागार किस्म के बंदे का जो तस्वुर है वो जहन में आता है वेट वेट यहां रसल कहते हैं कि दिस सीनर से मेरी ऐसी कोई की समझने लगता है अब ऐसे हालात में वो अपनी का एक इमेज बना लेता है। जैसा वो सोचता है कि उसे होना चाहिए लेकिन वो असल में वैसा नहीं होता लिहाजा वो इन दोनों कैफियात के दरमियान सल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहते हैं। अब होता यह है कि जो कुछ उसकी वालदा ने उसे बचपन में सिखाया होता है कि वो गुनाह है और वो उससे कॉन्शियस भी होता है कि वो गुनाह है लेकिन उसे छोड़कर वो वो करता है जो उसे अच्छा लगता है और अपने इस एहसास से गुनाह को अपने अनकॉन्शियस में दफन कर देता है और उसे टेम्परली भूलने के लिए वो ड्रिंक श्रिंक का सहारा लेता है लेकिन अंदर से इसे वो सब कुछ याद होता है जो कुछ उसकी वालदा ने उसे बचपन में सिखाया होता है जैसे कि कस्मे खाना शराब पीना सेक्स या आम मामला में ज्यादा चलाक बनने की कोशिश करना वगैरह वगैरह बुरी चीजें हैं। पर ये सब जानते हुए भी वो उन प्लेजर्स से दूर नहीं रह पाता लेकिन दूसरी तरफ एहसास गुना उसको पागल करता रहता है अब जब वो ये सारे काम कर लेता है तो मायूसी उसे घेर लेती है इस मायूसी के फेज में वो जालिम बन जाता है पर बाद में अपनी ही जालिमाना हरकतों पर शर्मिंदा होने बैठ जाता है अब नेक्स्ट स्टेज पर वो अपनी ख्याली गुनाह और हकीकी पछतावे से एक नया सिलसिला शुरू कर बैठता है देखिए यहाँ रसल उसके गुनाह को ख्याली गुनाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके नजरिए के मुताबिक ये गुनाह है ही नहीं आगे असल कहते हैं कि बेशर जो रेप्रोबेट्स या कह लें बुरे किरदार यानी विलन टाइप के जो लोग होते हैं उनकी नफसियात भी ऐसी ही होती है यहाँ वो ऐसे लोगों के माइंड्स में बचपन से बिठाए गए एथिकल कोड्स को मजहका खेज करार देते हुए कहते हैं कि ये ही असल में उनकी गुमराहे का सब बनते हैं फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हुए कहते हैं कि ऐसे मेटरनल वर्चू का शिकार अफराद का अपने उन इब्तदाई बिलीफ से निजात पाना ही दरअसल हैप्पीनेस की तरफ उठने वाला पहला स्टेप होता है इसके बाद हम सेल्फ एब्सॉर्प्शन की सेकंड काइंड की तरफ मूव करते हैं जो है द नार्सिज्म जिसका उर्दू में मतलब होता है नरगिसियत और नार्सिस्ट वो बंदा होता है जो नरगिसियत का शिकार होता है मतलब ये कि अपनी खुद की तारीफें करने और दूसरों से सुनने की आदत में मुबतला रहने वाला इंसान ऐसे लोग आपने आमतौर पर बहुत से देखे होंगे लेकिन उनके बारे में यही कहना बेहतर है कि सानू की खैर अब हम आगे चलते हैं आगे रसल अपनी तारीफें करने के आने के शौक़ को नॉर्मल कहते हैं लेकिन फिर ये कहते हुए ख़बरदार भी करते हैं कि जब ऐसी हरकत हद हाँ से बढ़ जाएँ तो ये बड़ी संगीन किस्म की ईवल्स भी बन जाती होती हैं इसके बाद वो ऐसे अमीर ख़वानों हजरात को तनकी निशाना बनाते हैं जिनमें मोहब्बत जैसे इमोशंस को फील करने की सिलाहित जो होती है ना वो ना सिर्फ ख़त्म हो चुकी होती है बल्कि उस पावरफुल डिज़ायर के साथ रिप्लेस भी हो चुकी होती है जिसमें वो चाहते हैं कि सारे लोग उनसे मोहब्बत करें लेकिन जब लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो उनकी नज़र

किस्म के इमोशंस की कोई परवाह रहती है लेकिन किसी भी काम में सीरियस सक्सेस का इनहिसार मुतल काम में हकीकी दिलचस्पी पर होता है और जो शख्स सिर्फ अपने आप में दिलचस्पी लेता है वो कोई एडमायरेबल पर्सनैलिटी नहीं रहता फिर असल कहते हैं कि वो लोग वो लोग भी जो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें वो भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रह सकते क्योंकि इंसानी फितर जो होती है ना वो कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकती और नार्सिस्ट जो होता है वो आर्टिफिशियली ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान पर सेंस ऑफ सिंह हावी हो रही होती है आगे वो लिखते हैं कि कदीम जमाने में इंसान जो था वो अच्छा शिकारी होने पर फख्र महसूस किया करता था लेकिन उसके साथ साथ वो तो चेज करने जैसी एक्टिविटी को भी इंजॉय करता था वो कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में हद से ज्यादा जो शो मारना होता है ना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मिलने वाली खुशी को बर्बाद कर देता है और शो मारने वाला बंदा बोरियत का शिकार होकर ना अनहैप्पी रहने लगता है लिहाजा ऐसे लोगों को ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट से इंस्पायर होकर किसी भी काम को करना चाहिए ताकि उन्हें हकीकी खुशी मिल सके द रियल हैप्पीनेस इसके बाद आती है जिस सेल्फ़ एब्जॉर्बेशन की तीसरी किस्म जो कि है द मैगलिमेनियक यहाँ पर यह बताया गया है कि ये मैगली क्या होती है और ये कैसे इंसानों के लिए अनहैपीनेस के मौके पैदा करती है यार रसल कहते हैं कि ये जो मेगलीमेनियक है ना ये नार्सिजम से ज़रा सी मुख्तफ चीज़ होती है क्योंकि इसका शिकार इंसान जो होते हैं वो अपनी तारीफ़ कराने की बजाय बहुत पावरफुल बनना चाहते हैं और ये नार्सिस्ट की तरह ये नहीं चाहते कि अवाम इनसे मोहब्बत करे बल्कि वो ये चाहते हैं कि अवाम उनके रोब से खौफजदा हो दरअसल यहाँ भी नार्सिसिज्म वाली सिचुएशन ही दोहराते हैं कि भैया नॉर्मली रहे तो ठीक है अगर ये ख्वाहिश जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो उसके साथ ही आपकी खुशी भी जाती रहेगी और इसका शिकार इंसान अनहैप्पी तो होता ही है पर पागल भी होता है इस पॉइंट को समझाने के लिए वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर आजम की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो भी साइकोलॉजिकली ऐसे ही पागल आदमी था लेकिन उसमें अपने ऐसे पागलपन वाले ख्वाब पूरे करने का टैलेंट मौजूद था और जब ये बात क्लियर हुई कि वो बहुत बड़ा कॉन्क्रर है तो उसने फैसला किया कि वो अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दे लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब करके वो खुश था यार असल कहते हैं कि किसी एक इंसान की ईगो की मैग्निफिसेंस के लिए बाकी दुनिया को एज ए रॉ मटेरियल नहीं समझा जा सकता वो ये भी कहते हैं कि आमतौर पर चाहे वो सेन हो या इनसेन हो बड़ी हद तक एक्सेसिव ह्यूमिलेशन की प्रोडक्ट होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद रसल मैगलेमेनिक बंदे के बारे में मजीद समझाने के लिए ना नेपोलियन बोनापार्ट की मिसाल देते हैं जिसे आप जानते ही होंगे कि वो किस कैलिबर का बंदा था वो ऐसी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी था कि उसके बारे में जॉर्ज विलहम फ्रेडरिकगल जैसे ग्रेट फिलोसोफर का मानना था कि वो दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है वही यहाँ रसल नॉर्मल आवाम की खुशी के बारे में बात कर रहे हैं और अलेक्जेंडर एंड निपोलियन को सर फिर बोल रहे हैं खैर वो बताते हैं कि निपोलियन जो था उसके ऐसा बनने के पीछे जो वजूहत थी वो ये थी कि वो गरीब होने की वजह से स्कूल में एहसास कमतरी का शिकार रहा क्योंकि वो अपने एरिस्टोक्रेटिक स्कूल फैलोज़ के साथ बतौर स्कॉलरशिप बॉय के पढ़ता था सो जब वो अपने मकाम पर पहुंचा तो उससे अपने उन्हीं साथियों को अपने सामने झुकता देख अच्छा लगता था रसल कहते हैं कि वो जिंदगी मुश्किल से ही नाकाम होती है जिसमें मोहब्बत सबसे ज्यादा पावरफुल जज्बा होता है फिर वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और साइको सेंसेस में जो रिप्रेशन होता है वो साथ साथ चलता है और जब कभी ये साइको अनालिटिक रिप्रेशन सामने आता है तो फिर वहाँ हकीकी खुशी कभी नहीं आ सकती इसलिए नॉर्मल लोगों को ऐसे पागलपन से दूर ही रहना चाहिए यहाँ ये बताती चलूँ कि साइको एनालिसिस क्या होता है दरअसल ये अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी के लिए यूज़ होने वाली टेक्निक्स और उसके लिए बनाई गई थ्यूरीज़ का सेट होता है जनाब अब हम पहुंच गए चैप्टर के आखिरी हिस्से में जिसमें ऑथर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अनहैपीनेस की साइकोलॉजिकल कई तरह की होती हैं लेकिन उनमें से कई एक बड़े सारे लोगों में कॉमन भी होती हैं उनका मानना है कि अक्सर अनहैप्पी टिपिकल जो लोग होते हैं वो यंग एज में कुछ नॉर्मल किस्म की सेटिसफेक्शन से महरूम रहे होते हैं और बाद में उसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेटिसफेक्शन को ही सबसे इंपॉर्टेंट समझते रहते हैं और अपनी लाइफ को उसी डायरेक्शन में देखते हैं लेकिन उस सेटिसफेक्शन के साथ कनेक्टेड एक्टिविटीज पर कोई तवज्जो ही नहीं देते इसके साथ ही रसल अपने दौर में पाया जाने वाला एक और कॉमन फैक्टर बताते हैं कि ना खुश रहने वाला बंदा जो होता है वो समझता है कि उसे हर किस्म की सेटिस्फेक्शन से महरूम रखा गया और ऐसे में वो डिवोटी ऑफ प्लेयर बन जाता है मतलब साधु टाइप का इंसान बन जाता है आगे कहते हैं कि नार्सिस्ट और मैगलेमैनिक लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि खुशी हासिल करना मुमकिन है लेकिन रसल समझते हैं कि उनका उसे हासिल करने का तरीका गलत होता है उनका ये भी मानना है कि बहुत से नाखुश लोग अपनी हालत पर फख्र महसूस कर रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग तादाद में बहुत ही कम होंगे जो खुश रहने का कोई आसान रास्ता होते हुए डेलिबरेटली अनहैप्पीनेस को चूज करते होंगे आखिर में कहते हैं कि मैं इसे ये फर्ज करके लिख रहा हूं कि इसे पढ़ने वाला जो रीडर है वो अनहैप्पी होने से ज्यादा हैप्पी होगा मैं इसके अंदर खुश रहने की ख्वाहिश जगाने में मदद दे सका हूं या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन किसी भी कीमत पर कोशिश करना कोई नुकसानदेह बात नहीं है इसी के साथ रसल की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का पहला चैप्टर अपने इख्त को पहुंचता है मुझे दे इजाजत जल्द ही मुलाकात होगी सेकेंड चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय बाय